गाइस, आप सबका वेलकम है तरन्नुम साकिब चैनल में। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नई नई रेसिपी सीखने के लिए, एक नई नई वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ पके हुए केले का पकौड़ा। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो वीडियो में बने रहें, फुल वीडियो को वॉच करें। चलिए बनाते हैं पके हुए केले का मीठा पकौड़ा। बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ गेहूँ का आटा, दो पके हुए केले, ये है ड्राई फ्रूट, काजू बादाम किशमिश, ये है चीनी, सूजी, दूध। तो चलें सबसे पहले हम केले के छिलके निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है पके हुए केले से मीठी पकौड़े, आपने भी बहुत खाए होंगे, बनाए भी होंगे। एक बार आप मेरे तरीके से भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। हमें एक ही केले की यहाँ ज़रूरत है, एक हमें हटा देना है। यहाँ लेंगे मिक्सर जार, इसको अच्छे से इसमें पीस लेंगे। तो यहाँ देखें कितने अच्छे से ये पीस चुका है। आप इसे मैश भी कर सकते हैं, यहाँ स्पून के हेल्प से इसे निकाल लेंगे। देखें अब इसके अंदर जाएगा गेहूं का आटा। यहाँ मैंने बॉल से एक बॉल लिया है, आप ही अपने हिसाब से ही लें। ड्राई फ्रूट, सूजी, चीनी, अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। थोड़े से जाएंगे नमक, मीठी चीज़ में नमक डालना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको फेंटना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, इसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो भी आप बोल सकते हैं, मीठा सोडा भी बोला जाता है। अच्छे से ये हो गया है मिक्स, आप मिल्क की जगह पानी भी ले सकते हैं, पर मिल्क से ये सॉफ्ट रहेगा, इसमें सॉफ्टनेस बनी रहेगी। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना रहे। तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से फेट चुका है, 5 मिनट इसको फेट लें। यहाँ दूध इतना बच गया है, हमने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया था, इतना दूध हमारा बच गया है। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, नहीं तो बेटर जो है बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें इस तरह का बेटर चाहिए, आप देख सकते हैं। इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें, उसके बाद इसको फ्राई करें। 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, रिफाइंड ऑयल है। तो यहाँ ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, तो थोड़ा सा हाथों में पानी लगा लेना है इस तरह से, इससे बेटर इस तरह से लेना है हाथ में और इस तरह से छोड़ देना है तेल में। हाथों में पानी लगा लेंगे तो ये आसानी से चिपकेगा नहीं। यहाँ फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे तभी डालेंगे पकौड़े को, नहीं तो कलर बहुत जल्दी आने लगेगा। जितना आएगा उतना ही डालना है, धीमे ही आंच पे इसको सेकना है। तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखें धीमे आंच पे ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको पसंद आएगा, आपके घर में बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली ये चीज़ है। तो यहाँ ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखें
चारों तरफ से बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है गोल्डन ब्राउन। यहाँ हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के लिए किसी भी टिश्यू पेपर पे आप अच्छे निकाल लें कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एग्जॉर्ब हो जाए, ऑयली ना हो। इसी तरह से हमने जो हमारे पास बेटर बचा हुआ है उसे भी फ्राई कर लेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बना है। तो प्लीज़ जिसको जिसको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरे वीडियो को आगे शेयर करें, मेरी रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करें। जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह डेली डेली एक न्यू रेसिपी लाती हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत इजी है बनाना, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो प्लीज़ बनाइएगा। फिर मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ।